अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महबूब फिरदौसी और आप देख रहे हैं MF रिसर्च। मैं आपके सामने एक अनोखा प्यारा सा चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, अजीम प्रेम जी जो हिंदुस्तान के बड़े कारोबारियों में से हैं, वो कहते हैं कि मैं और मेरी कंपनी कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, हम हमेशा साख के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से पैसा हमारे पीछे भागता है। ये अल्फाज एक कामयाब तरीन कारोबारी के हैं। इसके बरखिलाफ हमें सिखाया ही ये जाता है कि तुम इसलिए पढ़ रहे हो ताकि नौकरी मिल जाए, लड़की इसलिए पढ़ रही होती है ताकि अच्छा रिश्ता मिल जाए। जब हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स इतने छोटे होंगे तो फिर ज़िंदगी कहाँ गुजरेगी। खुदारा उस काम को कीजिए जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, ताकि काम आपको काम ना लगे। अगर काम आपको काम लगने लगे और आपके लिए बोझ बन जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने शौक को पूरा नहीं कर सके, अपने आप अपने कामों का बोझ उठाया हुआ है। और ज़िंदगी जिसके लिए बोझ होती है वो मुर्दा होता है, सिर्फ दफनाना बाकी होता है। मशहूर फिल्म 3 इडियट्स जो कि बहुत मशहूर है, कि उसके आखिर में फोटोग्राफर अपने वालिद से कहता है कि फादर इट्स ओके, पैसा कम कमा लूँगा लेकिन वो करूँगा जिसमें मेरी तसल्ली है, मेरा जज्बा है। याद रखिए, हर एक के अंदर एक मीटर लगा हुआ है जो ये बताता है कि आपका काम क्या है, जो बताता है कि आपको किधर जाना है। बाज़ औक़ात ज़माने की तकदीर ज़माने के हाथ के लकीर पे नहीं, आपके हाथ के लकीर पे होती है। बाज़ औक़ात एक फ़र्द पूरे मुआशरे के मेयार को बदल डालता है। वो ट्रेंड सेटर कहलाता है। ये ट्रेंड सेटर आप भी हो सकते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आपके अंदर क्या कुछ दफन है। एडिसन दुनिया में वो वाहिद साइंसदान है जिसकी इजादात की तादाद 1249 है, जिसमें हम सिर्फ बल्ब को जानते हैं। एक बल्ब की इजाद के लिए एडिसन ने 10,000 से ज़ायद कोशिशें की। बैटरी बनाने के लिए उसने इससे भी ज़्यादा कोशिशें की। उसने एक जुमला कहा था कि जिसको अपने टैलेंट का पता लग जाता है वो मुलाजिम नहीं हो सकता, वो ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे, ग़ुलाम और मुलाजिम हमेशा वो लोग होते हैं जिनको अपना पता नहीं होता, वो अपने आप को सस्ता बेच रहे होते हैं, वो अपने आप को पे चेक पर चला रहे होते हैं। अक्सर लोग अपने शौक पर बदलते रहते हैं, वो अपने शौक को इसलिए बदलते रहते हैं कि उन्हें ये शऊर ही नहीं होता कि उनका हकीकी शौक जो उन्हें खुदा की तरफ से मिला है या दिया गया है, लेकिन जब अपना शौक वाजे हुआ तो फिर कभी नहीं छोड़ता। फ़र्ज़ कीजिए कि कमरे में अंधेरा है और आप बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। अचानक आपका हाथ खिड़की से छुआ तो आप समझे कि यही दरवाज़ा है, हालांकि वो दरवाज़ा नहीं है। इसी तरह जब आप जिस चीज़ को रास्ता समझते हैं वो रास्ता ना हो तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये कन्फ्यूजिंग तब पैदा होती है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं होती। जब अपनी ज़ात के बारे में शऊर बढ़ता है तो पता चलता है और पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे इस दुनिया में क्या करना है, जो फ़र्द फाइनल चॉइस पर चला जाता है। इसके लिए चॉइस ख़त्म हो जाती है। आखिरकार वो एक चीज़ का इंतखाब करता है और कहता है कि बस अब कश्तियाँ जला दो। कश्तियाँ वही जलाएगा जिसको अपनी मंजिल का पता होता है कि यही मेरा काम है। आमतौर पर इंसान की वक्ती मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। आपका काम यह है कि उस गैर मामूली तवानाई से फैसला कुन कर लें। तय कर लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में आज के बाद क्या करना है। इंशाअल्लाह